मॉर्निंग फिफ्थ क्लास टुडे अवर जीके चैप्टर 12 विच नेम इज स्पोर्ट्स स्टार। बच्चों आपको पता ही होगा कि जैसे हर एक चीज में स्पेशल पर्सन को एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है या फिर उन्हें एक बहुत ही ऊंचे पद पर रखा जाता है, उसी तरीके से स्पोर्ट्स स्टार जो होते हैं उनके बाद उनको भी सबसे एक हाईएस्ट पोजीशन पे रखा जाता है और देन उन्हें एक बहुत बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आपने देखे होगा कि हमारे इंडिया से लेके आउट ऑफ इंडिया में भी कई तरह के गेम खेले जाते हैं, जैसे इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, उसी तरीके से बाहर का नेशनल गेम भी होते हैं। मेन होता है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उन्हें अवार्ड दिया जाता है, देन उनका नाम जो है हिस्ट्री के तरीके से लिखा जाता है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे पहले दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर जो है वो जिम्नास्टिक खेलती हैं और ओलंपिक्स में 52 ईयर्स के बाद यानी 52 साल के बाद इंडिया की तरफ से वो पहली गर्ल थी जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और वो उन्होंने उसमें जिम्नास्टिक में मतलब अपनी वो मेडल लिए थे। देन उन्होंने 52 ईयर्स के बाद इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, यानी कि बहुत बड़ी बात थी कि उस टाइम में 52 ईयर्स पहले हमारे इंडिया को किसी ने भी जिम्नास्टिक में रिप्रेजेंट नहीं किया था इन ओलंपिक्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो बहुत ही बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है और इन्होंने 18 साल की उम्र में ही फुटबॉल मतलब इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में इनका सिलेक्शन हुआ था और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके एक आज की डेट में ही बहुत ही बेस्ट प्लेयर है फुटबॉल के। रोजर फेडरर जो है वो इन मैन एक बहुत ही बेस्ट प्लेयर है इन टेनिस, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया हुआ है कि आज वो बेस्ट प्लेयर है इन टेनिस। अभिनव बिंद्रा जो है वो बहुत शूटिंग करते हैं मतलब निशानेबाजी करते हैं, ओलंपिक्स में आपने सुना भी होगा कि निशानेबाजी में आज उसे गोल्ड मिला आज उसे गोल्ड मिला, बट अभिनव बिंद्रा जो है जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें। रोहित शर्मा क्रिकेट को तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप सब देखते भी होंगे क्रिकेट आते हैं, तो रोहित शर्मा को जो है इंडिया का हिटमैन इंडिया टीम में उसे हिटमैन कहा जाता है क्योंकि जब भी वो उसमें खेलने के लिए जाते हैं तो मतलब वो कभी भी बिना बहुत रेयर होता है कि वो जल्दी आउट हो जाते हैं, अदरवाइज वो बहुत बेस्ट खेलते हैं। साक्षी मलिक जो है वो रेसलिंग करती हैं और उन्होंने 58 kg कैटेगरी में उन्हें ब्रोंज मेडल मिला था किसमें ओलंपिक्स में। तो मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में अपने आप को देखा कि हाँ हम इंडिया को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइगर वुड्स जो है वो गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ वैसे मतलब इंडिया में भी खेलते हैं इंडिया से बाहर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गोल्फ खेला जाता है। टॉन्सा टोकिया जो है वो मोटर रेसिंग करते हैं, आपने बाइक रेसिंग वगैरह देखी होगी टेलीविजन पे आती है या फिर ऐसे कहीं शो वगैरह होते हैं तो ये उस तरीके की रेसिंग होती है और टॉन्सा टोकिया जो बहुत ही बेस्ट रेसर है। पीवी सिंधु जो है वो बहुत बैडमिंटन प्लेयर है, आपने इनको देखा भी होगा टीवी वगैरह में सुना भी होगा, सिल्वर मेडल मिला था इन ओलंपिक्स में, यानी जब ओलंपिक्स हुए थे जब बैडमिंटन का गेम हुआ था इन्हें सिल्वर मेडल मिला था ओलंपिक्स में, इंडिया के ही नहीं और बहुत सारे लोग आते देन वहाँ पे एक मेडल हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी हिस्ट्री है, वर्ल्ड फास्टेस्ट मैन उसैन बोल्ट जो है वो वर्ल्ड के सबसे तेज दौड़ने वाले पर्सन है, इज द फर्स्ट मैन इन द स्पोर्ट्स हिस्ट्री टू सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इन्होंने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए हैं, 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर में, यानी कि ये कभी कभार 2 मिनट कभी कभार मतलब लंबी लंबी रेसों को कुछ मिनटों में ही वो कर देते हैं। रिले रेसेस ड्यूरिंग अ सिंगल ओलंपिक्स टूर्नामेंट, यानी कि इन्होंने रिले रेस किए थे और ओनली सिंगल टूर्नामेंट। इस तरीके के जो उसैन बोल्ट है वो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले इस व्यक्ति कहे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स स्टार में हमने क्या देखा किस तरीके से एक पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके और एक हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करके एक अच्छी पोस्ट पे जा सकता है। तो आपको इन सभी को अच्छे से समझना है और इनके बारे में और हिस्ट्री जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।